अमरोहा पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी जिले में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि जिले के सैदन गली के सकतपुर रोड पर रखे 250 केवी के ट्रांसफार्मर में से चोरों ने 500 लीटर तेल, तांबे का तार चोरी करके फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक सप्ताह में अज्ञात चोरों ने दो ट्रांसफार्मरों से सामान चोरी करके सरकार को 10 लाख का चूना लगा दिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लोगों ने प्रदर्शन करके नए ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की है, जिसके बाद बिजली विभाग के जेई ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में चोरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस दिन में हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है। इससे पहले अभी 7 तारीख में पाकिस्तान के पास ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था, उसके हमने FIR दर्ज करवाई, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये रात ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, वो दुख का विषय है। लगभग 250 करोड़ की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। 5 लाख ये किस जगह से चोरी हुआ? ये सकतपुर रोड के पास में ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और बिल्कुल रोड पर ट्रांसफार्मर रखा है, एकदम अपने तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, वो उनका अपना तरीका है। आपको बता दें कि पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी चोर अपने मंसूबों को आराम से पूरा कर लेते हैं और लाखों की चोरी करके मौके से फरार हो जाते हैं। देखना होगा कि पुलिस इन शातिर चोरों को कब तक गिरफ्तार करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।